ऊपर उठने में वक्त लगता है, तो चाहे सूरज ही क्यों ना हो धीरे धीरे उगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी कहानी जो हमें काफ़ी सीख दे सकती है। तो एक राज्य में एक पंडित जी होते हैं, तो फिर उनकी बुद्धिमत्ता की काफ़ी प्रशंसा दूसरे राज्यों में भी होती थी, लोग उन्हें काफ़ी विद्वान समझते थे। तो फिर एक दिन उसी राज्य के राजा ने एक दरबार लगवाया। वहाँ पर सब लोगों ने काफ़ी चर्चा की, काफ़ी बातें की। तो फिर जाते हुए पंडित जी जब जा रहे थे, तो फिर राजा ने उन्हें रोक लिया और कहा, पंडित जी आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, काफ़ी विद्वान हैं, लेकिन तब भी आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है। तो फिर पंडित जी काफ़ी सोचने लग गए, उन्हें काफ़ी बुरा लगा। फिर उन्होंने राजा से पूछा कि आखिर क्या हुआ कि आपको लगा कि मेरा बेटा मूर्ख है। तो फिर राजा ने बताया कि आपके बेटे को ये नहीं पता कि चांदी और सोने में क्या ज़्यादा मूल्यवान है। तो फिर वहाँ सभी जितने भी लोग मौजूद थे दरबार में, सब लोग हंसने लग गए, सब लोग पंडित जी की पूरी खिल्ली उड़ने लग गई। पंडित जी काफ़ी गुस्से में थे, वो गुस्से में होकर घर पहुँच गए और घर पर उनका बेटा जल लेके तैयार था। तो फिर उनके बेटे ने पूछा, पिताजी जल ग्रहण कीजिए। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं जल बल छोड़ो, अभी तुम्हें एक बात बताओ कि सोने और चांदी में ज़्यादा मूल्यवान क्या होता है। तो फिर उसके बेटे ने तपाक से जवाब दे दिया कि सोना ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो फिर पंडित जी ने बेटे से पूछा, यही बात जब राजा तुमसे पूछते हैं तो फिर तुम ये क्यों बताते हो कि चांदी सोना से ज़्यादा मूल्यवान होता है। फिर बेटे को सारी बात समझ आई, वो ज़ोर से हंसने लगा और अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलिए। तो फिर वो अपने कमरे में ले जाता है, वहाँ पे एक संदूक रखी होती है। वो जैसे ही संदूक खोलता है, वहाँ चांदी के खूब सारे सिक्के रखे होते हैं। तो फिर उनके पिताजी ने पूछा कि ये सिक्के कहाँ से आए। तो फिर उसके बेटे ने कहा कि बस यही चल रहा है, हर दूसरे दिन दरबार होते हैं, राजा पूछते हैं कि सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है, जो तुम्हें लगता है मूल्यवान है वो उठा के ले जाओ। मैं हर रोज़ चांदी का सिक्का उठा के ले जाता हूँ और सब लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप घर वापस आ जाता हूँ। ऐसे चल रहा है, मैं रोज़ चांदी का सिक्का उठाता हूँ और घर ले आता हूँ। तो फिर पंडित ने पूछा कि जब तुम्हें पता है कि सोना मूल्यवान होता है, तो फिर तुम यही बात राजा को क्यों नहीं बता देते। तो फिर उसके बेटे ने कहा कि ये अगर मैंने बता दिया कि सोना ज़्यादा मूल्यवान होता है, तो फिर ये खेल ख़त्म हो जाएगा, ये खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यही बात पंडित ने राजा को बताया। पंडित और उसका बेटा दोनों गए थे राजा के पास, दोनों ने बता दिया। तो फिर राजा ने एक सोने की संदूक मंगवाया, उसमें सोने के सिक्के रखे थे खूब सारे। तो फिर सोने के काफ़ी खूब सारे सिक्के रखे थे और पंडित के बेटे को सौंप दिए, कहा बेटा तुम ही असली विद्वान हो, ये सिक्के तुम्हारे हैं। तो फिर इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना सामर्थ्य से ज़्यादा दिखावा ना करें, जब वक्त आएगा तो दुनिया का पता चल जाएगा। संघर्ष करने वालों को उनका फल मिलता है। तो मैं उपेंद्र द्विवेदी, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।